सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल कबीर जी को, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप एक YouTube चैनल बनाना चाहते हैं या फिर आप YouTube चैनल बना चुके हैं लेकिन आपके चैनल का नाम सर्च में नहीं आता? तो आप ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त तरीका जिससे आपका चैनल सर्च में आ जाएगा और रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त होगा, जिससे आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है और आपका चैनल ग्रो भी कर सकता है, सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं और आपके बहुत सारे व्यूज भी आ सकते हैं। इसके लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो टेक्निकल कबीर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलें दोस्तों, मैं आपको YouTube होम में चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या तरीका करना है और मैं आपको सर्च करके दिखाता भी हूं कि क्या काम करने से आपका नुकसान हो सकता है और क्या काम करने से आपका फायदा हो सकता है। तो जिस तरीके से मैं एक नाम सर्च कर रहा हूं, यहां पे बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, टेक्निकल गुरुजी। तो आप देखेंगे ये सबसे ऊपर जो है, सबसे फर्स्ट पे आया है टेक्निकल गुरुजी, और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं और कितने टेक्निकल गुरुजी हैं। तो नीचे भी गौरव चौधरी, मतलब इन्हीं का अपना चैनल है जो कि इन्होंने फीचर चैनल में दिया हुआ है, तो वो आ रहा है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चल के इसको दोबारा से जो है फिल्टर भी करके देखते हैं कि आया कितने लोगों ने टेक्निकल गुरुजी को कॉपी किया है। तो यहाँ पे जाके फिल्टर करके जब हम चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे लोगों ने टेक्निकल गुरुजी, चैनल का नाम भी टेक्निकल गुरुजी रखा हुआ है और लोगो भी सेम रखा हुआ है। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने ये कॉपी किया है उन्होंने अपना ही नुकसान किया है, वो कभी भी जो है सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी सक्सेस नहीं होता, आपका चैनल हमेशा पीछे रह जाता है। तो ये देखें, ये पाकिस्तानी हमारे हैं टेक्निकल तनवीर सगर, तो इनका भी देखें जब हम सर्च करते हैं तो सबसे टॉप पे आता है। तो इसको भी आगे चल के हम फिल्टर करते हैं लेकिन नीचे देखते हैं जितने भी ये वीडियोज हैं वो टेक्निकल तनवीर असगर की हैं। तो इसे भी हम जब फिल्टर करके देखेंगे, चैनल चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने टेक्निकल तनवीर असगर की तस्वीर भी वही लोगों में लगाई हुई है, नाम भी टेक्निकल तनवीर असगर लिखा हुआ है। तो ऐसा करके शायद लोग समझते हैं कि भाई हम उनको कॉपी करके आगे जाएंगे, तो ये सारी जिंदगी 20 साल तक भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो YouTube चैनल है या जो YouTube का सिस्टम है वो एल्गोरिथम सिस्टम इतना अंधा नहीं है कि वो आपको और लोगों को पहचाने कि टेक्निकल तनवीर असगर असल कौन है और कॉपी कौन है। तो अपनी पहचान बनाइए, जब भी आप YouTube चैनल पे बनाते हैं तो वहां पे एक यूनिक सा अपना नाम बनाइए, अपनी पहचान बनाइए, उससे ही आप जो है वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक और भी नाम सर्च करके देखते हैं, इंडियन यूट्यूबर हैं टेक्निकल योगी, जिसका बहुत सारे मैं भी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, काफी कुछ उनसे और टेक्निकल तनवीर असगर से सीखने को मिला है। यहाँ पे भी देखें, जब भी कोई चैनल हम सर्च करते हैं तो वो सबसे टॉप पे आ जाता है, ये टेक्निकल योगी हैं। तो इनको अगर हम चैनल में जाकर जो है वो फिल्टर करके देखते हैं तो यहाँ भी सेम ही कहानी है भैया, वही नाम, वही लोगो, वही सब कुछ, लेकिन ना तो सब्सक्राइबर हैं इनके, ना वीडियोस, ना लेना ना देना, कोई नहीं देखेगा इनको, क्योंकि सबको पता है कि ये जितने भी हैं ये फेक हैं। जिसके मिलियन सब्सक्राइबर हों उसके मुकाबले में 2-3 सब्सक्राइबर वाला चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? ना कोई सब्सक्राइब करेगा, ना कोई देखेगा, बल्कि उल्टा लोगों को, लोग इनको मतलब बहुत कुछ कहते हैं। तो इसको छोड़िए दोस्तों, अब मैं आपको अपना चैनल सर्च करके दिखाता हूँ, टूरिस्ट बाबू, जो कि इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी 1,27,000 सब्सक्राइबर हैं, जो सबसे ऊपर देख रहे हैं आप टॉप पे। तो यहाँ पे आपको एक फर्क मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। तो यहाँ पे किसी और ने टूरिस्ट बाबू को कॉपी नहीं किया, क्योंकि ये मेरा अभी मिलियंस में नहीं है तो इसलिए कॉपी नहीं कर रहे, शायद आगे लोग कॉपी कर भी लें, तो बहरहाल अभी तक मेरा ख्याल है नहीं। तो इसको भी हम फिल्टर करके देखते हैं जब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे जो नीचे है बाबू टूरिस्ट है उस मेरे जो चैनल के नीचे है, तो यहाँ पे नीचे चलकर देखते हैं कोई भी दूसरा टूरिस्ट बाबू नहीं है, जिन लोगों ने भी बनाए हुए अपने बनाए हुए हैं, तो ये आस्ता आस्ता आगे ट्रेंडिंग में आ जाएंगे।
तो ये मेरा चैनल है टूरिस्ट बाबू और इसके नीचे जो है बाबू टूरिस्ट। अभी जो बाबू टूरिस्ट है ये भी यूनिक है क्योंकि कोई भी इसको टूरिस्ट बाबू के हो सकता है सर्च में आ जाए, लेकिन ये कॉपी नहीं है, ये अपनी जगह पे तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से यूनिक नाम आपने रखना है जो पहले ना हो। तो वो कोई भी नाम अगर आप रखना चाहते हैं अपने चैनल का तो आपने क्या तरीका कार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपने ऐसे ही जाके सर्च बार में एक जो आपको नाम अच्छा लगता हो, ये मेरा जो चैनल आप देख रहे हैं टेक्निकल कबीर जी, ये वाला चैनल है, ये भी सर्च में आता है और ये भी यूनिक है। मेरे जितने चार चैनल हैं चारों ही यूनिक हैं, मतलब उसके जैसे और नहीं है। मतलब आपने ऐसा नाम रखना है जो पहले YouTube चैनल पे मौजूद ना हो। अभी यहाँ पे भी मैं आपको ये सर्च करके दिखाने का मतलब ये है कि आपको पता चले कि हाँ भाई ये जो भी नाम है उसके जैसा दूसरा नाम नहीं है, मतलब अलग से। अभी अगर आपको कहीं पे नजर आएगा तो टेक्निकल कबीर जी की जगह पे कबीर जी टेक्निकल या टेक कबीर जी या मतलब इस तरीके का आएगा, लेकिन टेक्निकल कबीर जी और नजर नहीं आएगा। अगर कोई बनाता भी है उसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका जो कस्टम यूआरएल वगैरह सब कुछ मैंने ले रखा है, तो किसी को भी चाहे वो मेरे चैनल से आगे भी निकल जाए तब भी उसको कस्टम यूआरएल नहीं मिलेगा। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने ऐसा चैनल, अभी ये देखें जो भी मैं नाम एक सर्च कर रहा हूं वो सबसे ऊपर आ रहा है। जो अगर आप फिल्टर करके देखते हैं आपसे पहले जो नाम नहीं आ रहा, जो सबसे डिफरेंट है, मुनफरद है, यूनिक है, जो पहले यूट्यूब पे नाम मौजूद ना हो तो वो रख लें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मतलब ये कैसा नाम मैं रखूं, तो भाई नाम कोई भी हो वो हो जो यूनिक हो, जो मुनफरद हो, जो पहले यूट्यूब पे मौजूद ना हो, वही नाम आपका ग्रो कर सकता है, वो भी सर्च में आ सकता है और उसी नाम से आपको कस्टम यूआरएल मिल सकता है। जिस तरीके से अभी ये देख रहे हैं मैंने ये सर्च किया है, आप कोई भी थर्ड टेक या किसी भी किस्म का कोई भी टीवी का नाम लिखकर आप सर्च करते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा कि अगर पहले से जिसके 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो वो नाम आपने नहीं रखना, जो चैनल पहले से यूट्यूब पे मौजूद हो और उसके 100 सब्सक्राइबर हो, क्योंकि जब 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वो कस्टम यूआरएल ले लेते हैं, जब कस्टम यूआरएल ले लेते हैं तो फिर आपको वो कस्टम यूआरएल दोबारा नहीं मिलेगा। तो आपने अपने चैनल का नाम ही ऐसा रखना है जो डिफरेंट हो। जैसे ये थर्ड टैग है, अभी ये पहले से अवेलेबल है, इसको हटाते हैं कोई और नाम लिख के देखते हैं, तो मुख्तलिफ नाम, थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है लेकिन नाम मुख्तलिफ ट्राई करते रहें, जो नाम बिल्कुल नजर ना आए वो आपने अपने चैनल का रखना है। और जब भी करें उसको फिल्टर जरूर करके देखें, क्योंकि और भी बहुत सारे कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सामने नजर नहीं आते लेकिन वो 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर के साथ वहां पे मौजूद होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने वही नाम रखना है जो पहले YouTube पे मौजूद ना हो और वही एक यूनिक नाम होगा, वही डिफरेंट नाम होगा। जैसे अभी OATV लिखो तो ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे पता अभी ये वाला जो है ये सुख टीवी, ये सरदार साहब का है, ये पहले मौजूद है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था, हालांकि मैं इनको नहीं जानता लेकिन ऐसे ही सिर्फ देखने के लिए कि हाँ भाई कौन कौन से चैनल यहाँ पे मौजूद हैं, या इसमें जो टीवी लिख दें, OATV लिख दें, कुछ भी। अभी यहाँ पे देखें नजर नहीं आ रहा जो टीवी, लेकिन अगर फिल्टर करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे चैनल नजर आएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी जो टीवी लिखा, सर्च किया, ऊपर टॉप पे कोई नजर नहीं आया तो वो समझते हैं कि भाई बस कोई नहीं है तो वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब भी करें उसको फिल्टर करके देखें तो फिल्टर करने से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से चैनल मौजूद हैं, कौन कौन से नहीं है। हाँ, अगर कुछ कम सब्सक्राइबर वाले, जैसे अगर मौजूद हैं 10 सब्सक्राइबर हैं, 15 हैं, 20 हैं और आप समझते हैं आप इससे आगे निकल जाएंगे, फिर तो आप वो नाम रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जिसमें आपको लगे कि इसने कस्टम यूआरएल पहले लिया हुआ है, अभी OATV है, इसका भी देखें मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज्यादा है, तो ऐसा नाम दोबारा रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपने वही अपने चैनल का नाम रखना है जो पहले YouTube पर मौजूद ना हो और वो आपके चैनल के लिए ग्रो का साबित बनेगा, जिससे आपका चैनल सर्च में भी आएगा और आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और व्यूज भी मिलेंगे और आपका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जो है वो जनरेट होगा।
तो कोशिश कीजिए सबसे डिफरेंट और यूनिक नाम रखिए जिससे आपके चैनल को फायदा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।